हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसीज के बारे में। एक वैकेंसी जुलाई 2024 के लिए आई है एंड बाकी जो भी वैकेंसीज है वो अगस्त 2024 के लिए आए हैं, यानी कि अगस्त और जुलाई का जो एक वैकेंसी पोस्टेड है। ये सारे डेट्स पे जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ, उन डेट्स पे उन सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने चाहिए अपने साथ इंटरव्यू वाले दिन, एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो राउंड्स कंडक्ट होते हैं उसका एक बेसिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मतलब पिछले या पास्ट इंटरव्यूज में किया गया था, जो जो चीजें हुई थी उससे रिलेटेड भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर यू गो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, ये सारे वैकेंसीज जो है वो फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए ही है। मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए ना ही ये वैकेंसीज है ना ही ये वीडियो है। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं, अगर आप खुद के एक्सपेंस में ट्रैवल करके इनमें से जो भी सिटीज के बारे में मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, अगर आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कहाँ कहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट है 24 जुलाई न्यू दिल्ली में, 6 अगस्त अमृतसर में, 8 अगस्त गुवाहाटी में, 20 अगस्त मुंबई में, 22 अगस्त चेन्नई में, 27 अगस्त न्यू दिल्ली में। एज ऑफ नाउ ये सारी चीजें पोस्टेड है उनके इंस्टाग्राम के सोशल हैंडल में। अब ये सारे सिटीज मेंशनड है लेकिन जो लोकेशन है कहाँ पे कंडक्ट होने वाला है इंटरव्यू वो मेंशन नहीं है, फॉर अ रीजन बीइंग कि एक फॉर्म है, एक गूगल फॉर्म है जिसमें आपको अपने डिटेल्स भर के उनको भेजने हैं। आप जिस भी सिटी पे जिस भी डेट में इंटरव्यू देने के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं वो डेट को क्लिक करके आपको वो फॉर्म फिल करके भेजना है। आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको एक इनविटेशन ईमेल आएगा। ठीक है, उस इनविटेशन ईमेल में वेन्यू, लोकेशन, टाइम सारी चीजें मेंशनड होगी। एंड नाउ लेट्स से कि बहुत सारे लोगों को ये इनविटेशन ईमेल नहीं आता है, तो जनरली जो भी हुआ है पास्ट में, जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दिया है पास्ट में, जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू जिस दिन होने वाला है, जो डेट पे होने वाला है, उसके एक या दो दिन पहले वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वेन्यू डिक्लेयर करते हैं, वो बताते हैं कि हम कहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। तो द प्रोसेस इज कि आप पहले वो फॉर्म फिल करके भेजें, अगर वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको कोई ईमेल नहीं आता है, एक या दो या तीन बार जरूर ट्राई करना भेजने के लिए, अगर आपको कोई भी यू नो इनवाइट नहीं आता है, इनवाइट ईमेल नहीं आता है, तो एक या दो दिन पहले उनके सोशल हैंडल पे आप जाकर चेक करें, उन्होंने वो वेन्यू के बारे में जरूर पोस्ट किया होगा जहां पे इंटरव्यू कंडक्ट एक या दो दिन बाद होने वाला है। नाउ लेट्स से आप 27 अगस्त को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आज आपको पता चल जाएगा या आज आपको ईमेल आ जाएगा फॉर्म फिल करने के बाद, तो वो नहीं आएगा, जनरली 3 या 4 दिन पहले इंटरव्यू के ही आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। हाइट का जो क्राइटेरिया है वो है 157 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जरूरी है आपको एक इंडियन नेशनल होना। इसके अलावा आपका वेट होना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू योर हाइट, उसका मतलब वो है कि आप बीएमआई रेंज में होने चाहिए। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, या मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू हैव अ पर्सनैलिटी विच इज आउटगोइंग, फन एंड फ्रेंडली। इसके अलावा यू शुड हैव अ क्लियर कम्प्लेक्शन। क्लियर कम्प्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको गोरा होना जरूरी है। यू नीड टू हैव अ कम्प्लेक्शन विच इज क्लियर, विच मीन्स कि आपके स्किन में ज्यादा मार्क्स ना हो, एक्ने ना हो, ऐसी सब चीजें ना हो, तो उसको क्लियर कम्प्लेक्शन माना जाता है। डेंटल ब्रेसेस नहीं होने चाहिए, स्कार्स नहीं होने चाहिए, विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, विजिबल टैटूज क्या होता है? विजिबल टैटूज वो होता है जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो भी एरियाज विजिबल होंगे वो सब जगहों पे टैटू ना हो, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको इंटरव्यू वाले दिन भी अपने साथ लेके जाना है, एंड जब आप फॉर्म भी फिल करोगे ना, ये सारी चीजों के लिए आप यस नो ये सारी चीजें टिक करोगे। ठीक है,
तो इफ यू आर गोइंग टू टेल मी कि आई डोंट हैव अ पैन कार्ड, आई डोंट हैव अ पासपोर्ट, आप वो फॉर्म ही कैसे फिल कर पाओगे? ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो एंड इंटरव्यू वाले दिन भी आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो, और उसके साथ साथ आपके पास उन सब का फोटोकॉपी भी होना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये? सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब आप मेरे को अगर ये पूछोगे मेरे पास एक डोज है, दो डोज है, तो फुल डोजेस के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यू शुड हैव एन अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट होना जरूरी है, पैन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, आपका 10+2 के जो मार्कशीट्स है वो होना जरूरी है, आपके फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल लेंथ फोटोग्राफ इन वेस्टर्न फॉर्मल्स होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटोकॉपीज भी लेकर जाने हैं ओरिजिनल्स के साथ। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको लेके जानी है वो है वायर्ड ईयरफोन्स, नॉट योर आईपॉड्स और जो भी वायरलेस वाले ईयरफोन्स होते हैं वो नहीं, जो ईयरफोन्स वायर्ड है वो ही आपको लेके जाने हैं। और लेट्स से आपके पास वो नहीं है तो एक चीज ध्यान रखना, उनके जो ऑडियो बेस्ड टेस्ट होते हैं ना वो उसके लिए आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन्स नहीं है लेट्स से, तो आपको लाउड स्पीकर पे रख के अपना वो एग्जाम देना पड़ेगा या अपना वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज माइंड में रखना, अगर आप वैसा कोई फोन लेके जा सकते हैं जिसमें वायर्ड ईयरफोन्स लगते हैं जो कंपैटिबल है उसके साथ, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज बाहर की नॉइज से आप डिस्टर्ब नहीं होगे। ठीक है, ये एक चीज भी आपको लेकर जानी है। अब हम बात करते हैं क्या क्या राउंड्स बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो पास्ट में हो रखे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ नया हो, बट जनरली ये सारे राउंड्स ही हुए हैं पिछले सब कैंडिडेट्स के साथ जब भी पहले वैकेंसीज आए हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जिस भी डेट, जिस भी सिटी में इंटरेस्टेड है इंटरव्यू देने के लिए, वो वाला क्लिक करके बाकी सारे डिटेल्स भर लो। वेरी इजी फॉर्म, 5 मिनट में आप फिल कर लोगे सारी चीजें, उसको फिल करके आप भेज दो। इंटरव्यू के 1 या 2 या 3 दिन पहले आपको इनवाइट आएगा। लेट्स से आपको इनवाइट नहीं आया, 1 या 2 बार और फॉर्म फिल करके ट्राई करना। नहीं आता है तो 2 या 3 दिन इंटरव्यू के पहले उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो वेन्यू डिस्क्लोज कर देते हैं, तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखते रहिएगा एंड देन यू कैन अपियर फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, अब राउंड्स में क्या होता है, सबसे पहला राउंड में वो क्या करेंगे आपके साथ जब आप जाते हो, जनरली आपका BMI, हाइट एंड वेट, ये सारी चीजें चेक की जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के साथ उसी राउंड में डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए थे, एंड कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर, आपके पास 2 फुल डोजेस का कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं आपके स्कार्स, आपका ग्रूमिंग चेक, मतलब इसको आप सेकेंड राउंड ही समझ लो, ग्रूमिंग चेक करेंगे, स्कार्स चेक करेंगे, उसके बाद वो आपसे कुछ आपसे सीवी से रिलेटेड या आपके इंट्रोडक्शन आपसे पूछ ले, और उसके बाद उनके पास एक सेट ऑफ अनाउंसमेंट्स है। ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर उनको लगता है कि आप इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं हो जब वो आपसे बात करेंगे, तो वो आपको इंग्लिश का अनाउंसमेंट पकड़ाएंगे, फ्लाइट रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो सारे अनाउंसमेंट्स वो आपको बोलेंगे कि इसको आप पढ़िए, और आप ऐसा पढ़िए कि आप ही अनाउंसमेंट कर रहे हो, या कुछ लोगों से हिंदी में भी वो बोल रहे थे अनाउंसमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर उनको लगेगा तो वो दोनों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों अनाउंसमेंट्स आपको बोलेंगे करने के लिए, टू रीड इट आउट लाइक एज इफ यू आर रीडिंग एन अनाउंसमेंट। ठीक है, उसके बाद वो अगर जब स्कार्स वगैरह चेक करते हैं तो वो आपके हाथ का एल्बो रीजन तक चेक करेंगे, क्योंकि उनका जो यूनिफॉर्म का जो हैंड का जो स्लीव्स है वो एल्बो रीजन तक है। ठीक है, वो वहां तक चेक करेंगे टू मेक श्योर कि कोई स्कार्स नहीं है और ऐसी सारी चीजें। ग्रूमिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, गो वेल ग्रूम, डू ऑल योर मेकअप द वे यू आर सपोज टू गेट ड्रेस्ड फॉर एन इंटरव्यू, अच्छे से तैयार होकर जाना, तो ये सारी चीजें होगी सेकेंड राउंड में। ठीक है, अब थर्ड राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड में होगा ये ऑडियो बेस्ड टेस्ट, जो कि एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट है। ठीक है, उसमें आपको वो वायर्ड ईयरफोन्स लगाने होंगे, एक एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं वो लोग वर्सेंट एप्लीकेशन, एक वर्सेंट एप्लीकेशन आता है जो इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है बेसिकली, तो उसमें आपको सर्टेन मार्क्स लेके आने होते हैं, बहुत बेसिक टेस्ट है, ग्रामर टेस्ट ही है जनरली। वो क्लियर करने के बाद आप जाते हो PI राउंड में, जो कि लास्ट राउंड है, वो है पर्सनल इंटरव्यू। अगेन आपसे वही बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, एविएशन क्यों, क्यों एयर इंडिया एक्सप्रेस में आपको कैबिन क्रू बनना है, क्यों आपने और कोई एयरलाइन में अप्लाई नहीं किया, आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में क्या पता है, ऐसी सारी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। एंड ये है बेसिक इनके जो राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं या किए गए हैं पिछले कुछ टाइम्स में। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई और इंटरव्यू से कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा उस चीज के बारे में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करके बोलूंगी। अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं वो भी बोल दूंगी कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।